रोड है, अब्दुल्ला हारून रोड, ज़ेबरा से स्ट्रीट सदर कराची सर, ज़ेबरा से स्ट्रीट कराची से लाडो गड़ी की दुकान है। लाडो लाडो मशहूर स्ट्रीट है ये, जबरदस्त। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल मुहिब अली'स फैमिली, और ये फैमिली आज कहाँ जा रही है। तो जी, आज हम लोग निकले हैं काफ़ी दिनों बाद घर से लॉन्ग ड्राइव पे, और अभी मैं आ रही हूँ अपनी अम्मी के घर से, और हम लोग जा रहे हैं इस वक्त स्टेशन, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमें स्टेशन गए हुए। तो सोचा आपके साथ भी छोटी सी वीडियो शेयर करती हूँ। इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं सदर से, और काफ़ी दिन बाद हम लोग इस तरह घर से निकले थे, लेकिन क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर से आ रही थी तो रास्ते में बच्चों ने मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन कर दी, इसकी वजह से मैं तफसील से वीडियो नहीं बना सकी। आप लोगों के लिए छोटे छोटे से क्लिप बनाए हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब, इस वक्त हम मेरे हस्बैंड मुझे सुना रहे थे लतीफ़ा, और बता रहे थे कि लोगों के पास तमाम सहूलतें होती हैं, उसके बावजूद उनको किस तरह मसले पेश आते हैं। तो एक बहुत अच्छा लतीफ़ा उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, तो आइए मैं आपको भी सुनाती हूँ। आवाज लगा दो, डोर ओपन हो जाओ, डोर खुल जाता है। वो अपनी चाय की मशीन को बोलते चाय तैयार करो, चाय तैयार, नहीं जूस तैयार करो, जूस तैयार करो, शर्ट चेंज करने के बोलते दरवाजा खोलो, दरवाजा खुल जाता है, बाहर निकलता है, कहता है डोर लॉक, डोर लॉक हो जाता है। वो जाते हैं डेंटिस्ट के पास, वो डेंटिस्ट का दांत निकाल लेते हैं, घर आते हैं तेज बारिश होती रहती है, तो दरवाजे पे खड़े होकर बोला ओपन द डोर, बोलते अपनी आवाज से करके ओपन द डोर, गुस्सा हो जाता है। उनके पड़ोसन आती है चाबी से, बोलते नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं कुछ नहीं, अमीर आदमी के भी उलझने अलग अलग। स्टेशन तुम्हें पता है बहुत दिन हो गए, स्ट्रीट का मालिक रहते हैं ना, मेरी मुलाकात हुई थी एक शादी में, मेरी जो मुलाकात थी वो आया हुआ था, पता चला कभी वहाँ से जाते हैं दिल्ली कॉलोनी जाना होता है, यहाँ से डिफेंस शॉट निकल जाए। ये फुटबॉल खाली होती है फिर बढ़ जाती है, लेकिन बिस्तर कंबल सब किराए के मिल रहे हैं, शुक्र है ये साफ सुथरा किया है इन्होंने, वरना बड़ी गंदगी थी यार, बहुत बहुत गंदा रोड था। बिस्मिल्लाह, लेकिन ये कट खतरनाक नहीं है, स्टेशन में से बोला हुआ है, आगे कोई रास्ता भी नहीं है ना। यार इस वक्त गाड़ी उठाने वाले होते हैं या नहीं होते, उन्होंने तो खड़ी की हुई है, लेकिन आप रूल फॉलो करें, अपनी जगह पे खड़ी करें। ग्रीन लाइन कहाँ से जाएगी? इधर वाले से। क्या? What's the green light? What's the green light? जिस पे खाली पट्टी लगी होती है। शाम आ जाएंगे ना मोहित, फिर पापा जा... अरे ये बंद क्यों है भैया, मुसाफिरों के लिए बंद कर दी, अंधेरा बड़ा हुआ है, आधी घंटे बज जाएगी, दस बजे
हाय हाय हाय, ये देखें कुर्सियों ना सीटें डली है, पहले खाली नहीं थी, ठंडी हो रही होगी, पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए, कितने छोटे छोटे लगाए थे, ये कुछ ये सीटें वाली है ना, बेंच बेंचें वाली बेंचें हो रही है, और ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए, जब छोटे छोटे पेड़ होते थे, ये देखे नई लाइनें डाली है सारी, सिर्फ एक लाइन थी पहले, अभी दो तीन लाइनें डाल दी इन्होंने, आवाज आ रही है जी, मैं बोल रहा हूँ जब आ रहा है नहीं, मुझे तो ठंड है अभी, अगले तो यही सर्दी में क्या क्या कुछ बोलो, मुंह से धुआं निकले, कुछ भी बोल दो, ग्रीन सही है, ग्रीन है, ग्रीन का इकोनॉमी का एक ही डब्बा है, पूरी पूरी ग्रीन लाइन में लॉकेट में लगाया है, हाँ सिर्फ छोटा ही डब्बा इकोनॉमी का, बाकी पूरी ग्रीन लाइन वो है बिजनेस, टिकट मिलते ही नहीं, हाँ पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, पहले से बुकिंग जा रही है, अल्लाह हाफिज़। ये गार्ड पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, चलने वाली है, ओ इतनी चली, बाबा कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, अब ये बस पे चढ़ गई, ट्रेन पे चढ़ गई, अब लास्ट डब्बा है, लास्ट डब्बा है, अब चले डब्बा करो, चली गई, कितना अच्छा लग रहा है, हाँ है ना, लाइटें खुली हुई हैं, तो अभी क्या है, गाड़ी गाड़ी वाले खुद देखेंगे, हम तो पता चला, कितना अच्छा लग रहा है, और ये खुल गया स्पेशल का है, कितना अच्छा लग रहा है रात में स्टेशन, कैबिनेट नहीं होते ना, केबिन नहीं होते, और स्लीपर में उसमें ऐसा होता है, स्लीपर है, डाइनिंग कार, टीवी टीवी भी है, चाय पी लिया, डाइनिंग एरिया, जनाब इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहाँ पे खड़ी हुई है पाकिस्तान रेलवे की खैबर मेल, और इसमें लगा हुआ है जनाब ये पाकिस्तान पोस्ट का डब्बा, और यहाँ से तमाम पोस्ट जाती हैं इस रेड रंग के डब्बे में, और क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी है, इस वजह से मैं आपके लिए तफसील से वीडियो नहीं बना सकी खैबर मेल की,
और इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा ना, और अपने इन लोगों का ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।